हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। दिस इज अ परफेक्ट हेलो आईज मेकअप। आई नो यू गाइज आर बिगिनर्स इन मेकअप, सो आपको अच्छे से नहीं आता मेकअप करने, स्पेशली आई मेकअप करने। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप ये हेलो आईज मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो कुछ कम प्राइस के भी हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा प्राइस के भी हैं। सो ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग शेड्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वही प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो ऑब्वियसली मेरे पास अवेलेबल है एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर भी नहीं किया हुआ है। और ऑल इन वन ये प्रोडक्ट है, दिस इज़ प्लम का ग्रीन टी मिस्ट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव इट। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया सेरम। इसमें ना सैलिसिलिक एसिड है, तो ये मेरे ऑयल रिडक्शन करेगा। मतलब जो जिनको ये शिकायत होती है ना कि मेकअप के बाद दीदी ऑयल आ जाता है फेस पे, तो अगर आप इसे बहुत दिन तक यूज़ कर लोगे ना, देखो एक दिन में मिराकल नहीं होता, बट ये अच्छा प्रोडक्ट है। और इसे ना सिर्फ आप मेकअप के पहले लगाना, एज ए स्किन केयर मत यूज़ करना। और जैसे मैंने यहाँ 3 ड्रॉप लिया है, मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही थी, तो आप बस 2 ड्रॉप को ही अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना, ऑयली ऑयली नहीं लगे मतलब। और ये ना एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में, बहुत अच्छा ही है। तो अभी मैं वही जो थोड़ा सा अपना ब्यूटी ब्लेंडर उसे थोड़ा सा डैम कर रही हूँ यूजिंग दैट मिस्ट। आप पानी से भी कर सकते हो, बस मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था, आलसी। ओके, तो मैं ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ गाइज। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, जस्ट 300 रुपीज़ का है, बहुत अमेजिंग है। सिलिकन बेस है, पोर्स को फिल इन कर देता है, तो मेरा सेंटर मुझे जहाँ लगता है मैं वहीं लगाती हूँ। ये मिलानी का कंसील परफेक्ट फाउंडेशन है, इसमें मेरा शेड है 05। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना कि देखो ये मेरे स्किन से कितना डार्क है, फिर भी मैं लगाती हूँ तभी ये डार्क स्पॉट्स को कंसील करेगा। और ये ना 2 in 1 है, कंसीलर प्लस फाउंडेशन। तो अगर इतने महंगे फाउंडेशन अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है ना कि इनकी कवरेज अच्छी होती है, और सेकंड अच्छी बात ये होती है ना कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, अच्छी कवरेज वाले होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत लाइट लगता है आपको। और ना इसे पाउडर से ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रीज नहीं करते, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो थोड़े महंगे फाउंडेशन में भी ना कभी कभी इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत लाइट वेट है और ये ड्राई स्किन ऑयली स्किन सबको सूट करता है और बहुत लाइट फील कराता है लिटरली। तो मैंने इसीलिए कंसीलर स्किप कर दिया था। ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट है, 125 का अल्ट्रा HD कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा है। 04 मेरा शेड है नेचुरल। तो एज यूजुअल मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी। मुझे क्या लगता है ना इस कॉम्पैक्ट का कि ये थोड़ी ही देर मेरे मेकअप या फिर मेरे ऑयल को रोकता है, ज़्यादा देर नहीं, मतलब 3 घंटे तक रोक लेता है। उसके बाद मुझे टचअप की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, टचअप जब मैं करती हूँ ना, सेम इसी प्रोसेस में करती हूँ, अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करती हूँ। तो अगर आपको ऑयल आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप ऐसे डैप डैप करके सेट कर लेना। आईब्राउ के लिए यार क्या मैं बताऊँ, मतलब मिस क्लेयर आईब्राउ वाटर प्रूफ पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन, आई लव इट। एंड मैंने अभी आई मेकअप दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं ना ये जो आई शेडो पैलेट है, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का, बट आप कोई भी कलर ले सक, कोई भी आई शेडो ले सकते हो, बस कलर्स होने चाहिए आपके पास अच्छे वाले। तो ना ये इसमें से ऑरेंजिश कलर लिया और मैंने क्रीज या ट्रांजिशन पे अप्लाई किया है, दोनों पे एक्चुअली मिक्स करके अप्लाई किया है। बिकॉज ज़्यादा स्टेप्स मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को जो भी एक्सप्लेन करूँ या जो भी आई मेकअप करूँ वो ईजी वाले करूँ। अब देखो ये फ्लैट शेडर ब्रश लेना, और ये ब्राउन कलर टाइप ऑफ ले सकते हो, जिस कलर का आपको हेलो आई करना है। तो मैंने ब्राउन किया है बिकॉज मुझे लग रहा था ये अच्छा जाएगा। तो इसे सिर्फ मैंने अपने आउटर वी और इनर वी पे अप्लाई किया है, वी की तरह अप्लाई करना है, तभी मैंने मेंशन किया है इनर वी आउटर वी। और ये शेडर ब्रश है, प्लस ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इससे अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। और महंगे आई शेडो अगर आप एक भी ले लेते हो ना, तो भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, तो बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है आई थिंक 05 रोज़ गोल्ड, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ज़्यादा मुझे पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा। तो आज मैं एकदम डायरेक्टली जो है एप्लीकेटर से ही अप्लाई कर रही हूँ। और हेलो आईज का मतलब ये होता है ना कि साइड साइड कलर होगा, बीच में ग्लिटर होगा, यही होता है हेलो आइज। और आपको इसे फिंगर टिप से ही ब्लेंड करना है, जहाँ हमने कुछ नहीं लगाया था, बस फिंगर टिप से आप इसे। और ये इतना अच्छा लिक्विड कंसीलर, लिक्विड
आई शेडो है ये ना इंस्टेंट ड्राई हो जाता है, तो अलग से आपको ना कोई ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये ना चंकी होके गिरता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन इनके ग्लिटर्स है, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि अलग से वापस से आपको थोड़ा टचअप देने की ज़रूरत है तो वापस से कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया, नहीं ज़रूरत थी। फेसेस कैनेडा का ये काजल मैंने हॉल में दिखाया था, याद आया, तो ये वही वाला है और मैं सच में बता रही हूँ यार मुझे बहुत पसंद आया, ये एकदम ब्लैकेस्ट ब्लैक है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि ये ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और स्मज भी नहीं करता। तो एक ब्लैक कलर ले लेना सेम फ्लैट शेडर ब्रश में और थोड़ा सा लोअर लैश लाइन को मैं ब्लेंड करने का सोच रही थी, बहुत हल्का सा किया, ज़्यादा नहीं, दोनों आइज पे कर लिया। अब मैं ये मेबलिन का फेस पैलेट, गाइज मैं ना फेस पैलेट ज़्यादा आप लोग को रिकमेंड करती हूँ, आई नो, बिकॉज ना देखो मेरे पास दो है, मेबलिन का है और शुगर का है, और फेसेस का भी आता है मेरे पास, है नहीं, मेकअप रिवोल्यूशन का भी आता है, मैं लूँगी तो आप लोग के साथ दिखाऊंगी। इसमें ना तीन चीज़ मिल जाती है और बहुत सस्ती पड़ती है आपको, अगर तीन चीज़ अलग अलग लोगे तो महंगी पड़ेगी। तो ये मेरा 02 मीडियम टू डीप शेड है और इसमें मैंने अभी कॉन्टोर लगा लिया, अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। इसका जो ब्लश है ना वो हल्का सा शिमरी है, तो अगर आपकी स्किन पर टेक्स्चर है, यानी कि अगर आपकी स्किन पर दरदरापन है, एकदम स्मूथ नहीं है, तो आप ये वाला मत लेना, आप शुगर वाला ले लेना। लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है, एकदम यू नो एकदम स्मूथ है, कोई ऐसे गड्ढे वड्ढे नहीं है या पिंपल के दाने नहीं है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अब मैंने हल्का सा हाइलाइटर लगाया, सटल हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा यू नो एकदम ब्लाइंडिंग वाला नहीं है, बट अगर थोड़ा बिल्ड करोगे तो हो जाएगा। तो मैं इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करी हूँ, मुझे बहुत पसंद है और इससे बहुत ही चेंज हो जाता है। एंड गाइज अगर आप मेरा मेकअप लुक रिक्रिएट करते हो ना तो मेरे साथ इंस्टाग्राम आईडी सुपर मेकअप स्टाइल पे शेयर करना, मैं उसे शाउट आउट करूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के रिक्रिएशन देखकर कि आप लोग ने मुझे मेरे इंस्पायर्ड मेकअप लुक को किया है। तो अभी एज़ यूजुअल मैं लैशेस कर्ल कर रही हूँ और ये बहुत आसान होता है, बहुत डरावना दिखता है बस, और बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो न्यू मस्कारा, दिस इज़ मेबलिन, येस टोटल टेम्पटेशन मस्कारा, मुझे बहुत चीप प्राइस में मिल गया था। इसका एक स्काई ब्लू वाला आता है, वो वाटर प्रूफ है, दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, बिकॉज वाटर प्रूफ मस्कारा मैं नहीं लूँगी, मैंने सोच लिया है, मेरे लैशेस जो है ना निकालने में हालत ख़राब हो जाती है मुझे, मतलब अगर मेकअप रिमूवर ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो कोकोनट ऑयल से भी निकाल सकते हो, बेबी ऑयल से भी निकाल सकते हो, बट क्या ज़रूरत है, जब मिल रहा है बिना वाटरप्रूफ वाला तो ले लो। मुझे अच्छा लगा, अच्छी लेंथ दे रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि हल्का ड्राई ये मुझे रिसीव हुआ था। एनीवेज अभी मैंने लैशेस दिखा दिया है जो कि मैंने लगाया नहीं है, एंड में लगाऊंगी। ये है लॉरियल की लिपस्टिक इन द शेड 130 आई अमेज, एक ब्राउनिश ऑरेंजिश शेड है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने एक दो बार यूज़ भी किया अपने वीडियोस में, मुझे बहुत इनके लॉरियल के रेंज बहुत अच्छे है, पूरा रिव्यू है मेरे चैनल पे। तो यही एक ओवरऑल लुक है जो कि मैंने आज क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा, अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सकते हैं मैं सुनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।